एमवडी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री श्री राम चौहान। उद्यान मंत्री यूपी के संत कबीर नगर जिले के धनगटा विधानसभा से बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर बने के बाद कटान तेज हो गई है। नदी की धार से कटान तेज हो गई है, वही तुर्कवालिया नायक गांव की तरफ तेजी से कटान करते हुए बंदे के नजदीक जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन गंभीरता से देखते हुए संबंधित विभाग को बांध की मरम्मत और कटान को रोकने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। संत कबीर नगर घाघरा नदी पर बने एमबीडी बांध पर पानी की कटान का दूसरा मामला है, जो 2013 में भी एमबीडी बांध पर कटान हुई थी, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो गए थे और जिसके कारण स्थानीय जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार बांध पर नजर बनाए हुए वही बांध की कटान की स्थिति को देखने पहुंचे मंत्री श्री राम चौहान ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बाढ़ आई थी, कटाव भी हो गया था, उसी को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने यहाँ पे 18 मीटर तक नदी के साइड में बंधे थे, पक्का बोल्डर और गिट्टी सब डाल करके किया हुआ है। मिट्टी का जहाँ तक भाव हो तो लगता है कि वो पूरा कर दिया है, तो पक्के कटाव पे जूझ रही है, लेकिन पूर्व तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि लगता नहीं जो है कि कटाव अब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बांध के करीब है, मात्र 5 मीटर रह गया है। 5 मीटर नहीं, 18 मीटर ऐसा लगता है। क्यों जी? 18 मीटर है और 18 मीटर ये पक्का है। यहाँ से लेकर के नदी तक जो है बंदे पे 18 मीटर पक्का दिया हुआ है, इसको कटने काटने में भी कठिनाई जाएगी और पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 1.5 मीटर और पानी घटेगा तो समस्या का निदान हो जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी दिशा में लगे हुए हैं। अगर बांध कटता है तो कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं? बोल्डर गिराए जाएंगे, गांव प्रभावित नहीं होगा, खेत प्रभावित होगा। पहले जो है जब कटाव हुआ था तो इसी के बीच में वो गांव थे, तो गांव जो है काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अभी सब लोग सतर्क हैं। गांव पहली बार तो कटेगा नहीं, कटेगा तो बहुत नुकसान की संभावना है।